हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूं जिबा। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है ऑल अबाउट विंटर्स। क्या चीज़ें हैं आप करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं करते हैं, जिसके हिसाब से जिसकी वजह से स्किन ख़राब होती है या फिर स्किन जो ठीक नहीं रहती है, सब चीज़ों का आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, हमारी बॉडी, स्किन एंड हेयर। सो अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाना बहुत 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 ज़रूरी है, हम सबको पता है। अगर आप समर्स में नहीं लगा रहे हैं फिर भी चलता है, बिकॉज समर्स होते हैं वेदर की वजह से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, बट विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई होती है। और जब ड्राई होगी तो फिर उसे मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइज, बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सारी गलती उनकी स्किन की है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मेरी स्किन में कुछ अच्छे से रहता नहीं है, मैं कुछ भी करूँ मेरी स्किन फट जाती है। ये लाइन ना कॉमन है, हम सब सुनते हैं। वो जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जिस वे में लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सारी जो गलती है उनकी स्किन की गलती है। ऐसा आप भी कभी बोलते होंगे, मैं भी लाखों दफ़ा जब मुझे नहीं पता था मैं बोल चुकी हूँ कि मेरी स्किन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है वो नहीं सूट करती। बट द प्रॉब्लम इज़ हम राइट प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि आपने क्या यूज़ करना है और किस वे में यूज़ करना है, और जो भी मैं कुछ आपको बताऊँगी उसका मैं ऑल्टरनेट भी आपको बताऊँगी, सो आपको प्रॉब्लम नहीं हो यूज़ करने के लिए। और आप सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लोशन। तो मेरे पास है मेरा यहाँ निविया का लोशन। सो ये जो लोशन है ये मेरा फेवरेट लोशन है गाइज। जब से मुझे पता चला है कि लोशन क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, मैंने इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करा है। मुझे कभी नीड फील ही नहीं हुई कि मुझे इसके अलावा कुछ यूज़ भी करना चाहिए या करना है या मैं करूँगी। और मैंने इसका और वैसलीन, ये दोनों लोशन है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत घर घर में आपको ये दो लोशन मिलते ही मिलते हैं। सो इन दोनों का मैंने रिव्यू करा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी आपने अच्छी खासी लेनी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम खाना खा रहे हैं, हमें भूख लगती है ना, हमारे पेट में जगह है 2 रोटी की और हमने खाई 1 रोटी, जिस टाइम हमने खाई उस टाइम भूख खत्म हो जाएगी, बट थोड़े टाइम बाद हमें वापस से भूख लगेगी, है ना। लोशन भी बॉडी के लिए ऐसा ही है, बॉडी को जितना लोशन चाहिए, अगर आप उसे नहीं दे रहे हैं ड्राई तो हो गई, फटेगा तो, मतलब नॉर्मल थिंग है ना, अगर हम सेंस लगाएं तो वो चीज़ हैपन होनी ही होनी है। सो आपने लेनी है प्रोडक्ट की अच्छी खासी क्वांटिटी, बहुत फुद्दू सा लेकर आप सोचें कि इसे कहते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी, थोड़ा सा लिया दोनों हाथों में रख के एंड बस हो गया, ऐसे नहीं करना। अपने अपने हैंड्स पे आप डॉट डॉट, अब हम फाउंडेशन लगाते हैं डॉट डॉट करके, क्यों लगाते हैं, ताकि वो हमारे पूरे फेस पे इक्वल लगे, कहीं कम ज़्यादा ना हो, है ना। इसी तरह लोशन भी है, लोशन को आपने डॉट डॉट करके अपने हैंड्स पे लगाना, जहाँ भी आप लगा रहे हैं आपने उसको अच्छे से उसकी मसाज करनी है, लगा के आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे कि आपने थोड़ा सा लिया एंड उसे घिस दिया एंड यू आर डन, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसकी वजह से स्किन ड्राई होती है, डैमेज होती है, जो भी कुछ होता है जिस वे में आप यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, गलत है, इस वजह से ही वो ऐसा होता है। अच्छे से उसकी मसाज करके उसको लगाना है ताकि हमारी स्किन के अंदर तक जाए। इसका ऑल्टरनेट क्या है, कोकोनट ऑयल। इससे बेहतर, इससे बेस्ट ऑयल नहीं है हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास दोनों हैं, आपने दिन में 2 बार मॉर्निंग में आप लगाएंगे, रात को सोने से पहले भी आप अपनी स्किन पे लोशन या ऑयल लगाएंगे, अगर आपके पास दोनों चीज़ हैं तो आप डे टाइम में लोशन लगाएंगे और नाइट टाइम में आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे। ऑयल का भी सेम प्रोसेस है, आपने उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है और आपने उसे अच्छे से मसाज करके लगाना है। आप यकीन करें आपकी स्किन इतनी मज़े की हो जाएगी ना, आप भूल जाएंगे कि आपकी स्किन कभी फटा करती थी, ड्राई हुआ करती थी या आपको परेशान करती थी, ट्रस्ट मी। सो मैंने यहाँ पे अपना ऑयल निकाल लिया सी, मैं लगाती हूँ, इससे ये हाफ भी हो रखा है ना, जो मेरी बॉटल है ये ऐसे वाली है, तो इसको जब विंटर्स में जम जाता है ना तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो मैंने इसमें इसको निकल के रखा है, जब आप यूज़ करेंगे आपने इसको मेल्ट नहीं करना है, आपने इसको ऐसे ही लगाना है। आप इसको लेंगे ना, जस्ट आप करेंगे तो अपने आप 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर अंदर ये मेल्ट हो जाएगा, और आपने इसको ऐसे ही लगाना है। इससे क्या होगा, जो हमारी कोकोनट ऑयल की गुडनेस है ना वो ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी। हमारे लोशन का ऑल्टरनेट है कोकोनट ऑयल, लोशन नहीं है तो कोकोनट ऑयल होगा ही होगा, ठीक है। आपने दिन में 2 बार लगाना है और अच्छे से मसाज करके लगाना है, जस्ट लगा के नहीं छोड़ना। हमारे स्किन की, हमारी बॉडी की बात हो गई है, सिर्फ हैंड के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी के लिए प्रोसेस है,
और आप जब भी यूज़ करेंगे आप ऐसे ही और इसी वे में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा फेस। सो फेस गाइज, आप मैंने बहुत लोगों को देखा है इतना इतना फट जाता है, पहले तो वो रेड, उसके बाद ब्लैक, और फिर पता नहीं कैसा हो जाता है। देखा होगा आपने, अगर आपके साथ होता है तो आप फेस कर रहे होंगे उस चीज़ को। वो क्यों होता है? आप क्रीम लगा रहे हैं, है ना, फिर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी खासी क्रीम लगा रहे हैं, फिर भी हो रहा है क्यों? आप नहा के आए, नहा के मैं वाला काम खत्म कर लूँ, मैं अपना फोन देख लूँ, उसके बाद मैं लगा लूंगी। वेदर ऐसा हो गया है जब हम सोप या फेस वॉश या कुछ भी लगाते हैं वो ड्राई करता है हमारी स्किन को, है ना। और अगर आप उसको 10-15 मिनट दे रहे हैं कि 10-15 मिनट बाद में लगाऊंगी, तब तक तो हवा आ चुकी है, वो आपकी स्किन को अंदर जा चुकी है, उसको ड्राई कर चुकी है। तो कोशिश करें आप नहाने के जल्दी से, नहाने के बाद ही आप अपना स्किन केयर कर लें। कुछ स्किन केयर नहीं कर रहे हैं तो अपनी क्रीम ज़रूर से ज़रूर लगाएं। सो मैं यहाँ मैं यूज़ करती हूँ अपनी निविया की क्रीम, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। और अगर आप निविया क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते बिकॉज अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपको एक्स्ट्रा नरिशमेंट चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना पोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा वाला, सिर्फ 10 रुपये का आता है, और ये माइंड ब्लोइंग है गाइज, ये बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप मुझे दोनों में से एक पूछेंगे तो मैं ऑफकोर्स निविया यूज़ करती हूँ, निविया के बारे में कहूँगी। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होती है, तो आपके लिए बेस्ट है, और ये 10 रुपये का आता है, और आपके ये 10-15-20 दिन आराम से चल जाएगा, आपको नहीं प्रॉब्लम होगी। और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को नरिश करता है, और ये बेस्ट निविया का ऑल्टरनेट है। आप इसके अलावा कहीं ना जाएं, ये बेहतर से बेहतर है। आपको लगा के दिखा दूं, और सेम आपने अपनी क्रीम को भी ऐसे करना है, डॉटेड करके लगाएंगे, देन आप पूरे फेस पे लगाएंगे, ठीक है। लेके उसको लब करना नहीं होता पूरी बॉडी, पूरे फेस पे, फिर वो ड्राई हो जाता है। तो डॉट डॉट करके लगाएं एंड अच्छे से मसाज, और मसाज आपने देनी ही देनी है, कॉज उसको स्किन के अंदर भेजना है, तो बिना मसाज करे वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा। सी, और इसमें बिल्कुल भी एक चिपचिपाहट होती है ना, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। ये इसकी बेस्ट, इसका बेस्ट पार्ट है जो हमारा निविया है, वो हल्का सा ना चिपचिपाहट चिपचिपाहट देता है फॉर 10 to 15 मिनट्स, बट ये इंस्टेंटली, ड्राई ड्राई नहीं कह सकते, बट इंस्टेंटली हमारे फेस में जाता है और फेस को बढ़िया सा बना, और सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये में सी कितना बढ़िया सा, मेरा मेरी स्किन ड्राई थी, मैंने कुछ नहीं लगाया था, लगाया था नहाते टाइम लगाया था, अभी काफी टाइम हो गया। 10 रुपये में क्या मिलता है? 10 रुपये में कुछ नहीं मिलता, बट पोन्स मिलता है। तो आ जाते हैं अपने लिप्स पे। लिप्स देखे ना आपने, क्रैक हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे से हो जाते हैं। कुछ लोगों देख के मतलब उनका दर्द फील होता है ना, ऐसे लाइन लाइन सी, मतलब कितना दर्द में हो हैं वो लोग, कितना दर्द हो रहा होगा उन लोगों को, लाइक उनके लिए पता नहीं अजीब से हो जाते हैं कि मतलब धोते नहीं है ये, साफ नहीं करते, क्या नहीं करते पता नहीं, और सब कुछ करते भी हैं। एक्स्ट्रा धोने से भी हो जाता है, अगर आप एक्स्ट्रा वॉश कर रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो भी होता है। मैंने बहुत लोगों देखा है वैसे दिन आपने नहीं लगानी है, वैसे दिन आप जहाँ भी लगाएंगे आपके उस पार्ट को वो काला कर देगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सुन के या कह के बता रही हूँ। पहले मेरी स्किन में जो हील थी ना वो क्रैक होती थी, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप नाइट टाइम में वैसे लगा के सोएं और आपकी हील ठीक हो जाएगी, ठीक है। मैंने 1 हफ्ता 10 दिन यूज़ किया और मैंने देखा कि मेरी हील ठीक तो होना नहीं, बट वो ब्राउन ब्राउन सी, ब्लैक नहीं, लाइक अगर आपके आपका स्किन टोन फेयर है तो बहुत जल्दी दिखता है ना। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मेरे पैरों पे ही हो क्या गया है, लाइक जो मेरी हील थी ना वो इतनी इतनी पूरी ब्राउन हो गई, लाइक मतलब ये क्या हो गया ऐसा सब कुछ। तब मेरे को समझ में आया, फिर मैंने अपना वैसलिन छोड़ा, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे को समझ में आया कि ये वैसलिन से ही हो रहा है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि वैसलिन आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वैसलिन की जगह आप यूज़ करेंगे हिमालय का लिप बाम, ये बेस्ट लिप बाम है, ट्रस्ट मी। सीड ऑयल, ये पैराबेन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, इसमें वाइटामिन है, ये डर्माकोलॉजिकली टेस्टेड है, और क्या चाहिए आपको। और ये जस्ट 30 रुपीज़ का आता है, और इसकी क्वांटिटी है वो 10 ग्राम है। इसका एक छोटा सा 10 रुपये वाला मिलता है, और मैं सजेस्ट करूँगी आप वो ना लेके आप ये लें, ये आपकी पूरे विंटर बड़े बढ़िया से बड़े आराम से चल जाएगा, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सेल्फ लाइफ है आपको 3 ईयर्स की, इसकी नहीं टू नहीं 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है इसकी, और आपने गंदा करने की या लिप्स में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, जस्ट लेना है एंड जस्ट रख करना है।
स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल है, बढ़िया सी, अमेजिंग सी है। बस प्रॉब्लम ये है इसमें टिंट नहीं है। मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत टिंट होता है ना, थोड़ा सा भी होता तो फिर अच्छा होता, बट टिंट नहीं है इसमें। बाकी ये बहुत अच्छा है। और इसका ऑल्टरनेट मैं सजेस्ट करूंगी आपको, बोरोलिन। बोरोलिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट 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 प्रोडक्ट है। जब मैं 8th क्लास में 9th क्लास में थी ना, आपको ना छोटे से पिंपल आते हैं, आप हम सबको आते हैं, आपको आए, मेरे को आए, तो मेरे को ना 8th क्लास में थी जब छोटे छोटे पिंपल आते हैं ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और आप परेशान हो जाते हो क्या हो गया। मैं हो गई थी परेशान कि क्यों हो रहा है। तब मेरी मम्मी, उन्होंने बताया कि बेटा तू बोरोलिन लगा, एमबैक्स ठीक हो जाएगा। तो तब से लेके उसके बाद स्कूल पढ़ी कॉलेज पढ़ी ना, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गई हूँ, कॉज इसी के साथ मैं रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। पहले ना ऐसे ना ट्यूब आती थी बोरोलिन की, अगर आप यूज़ करते हैं आपको पता होगा, ऐसे ना ग्रीन कलर की ऐसे ना ट्यूब सी आती थी, बट अब इसकी बॉटल आने लगी है। वो ज़्यादा ना लाइक बहुत थिक थी, उसके मुकाबले ये इतनी थिक नहीं है। तो ये बेस्ट है आपके लिप्स के लिए, आपकी हील के लिए। अगर आपको कुछ नहीं यूज़ करना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर जगह, हर बॉडी पार्ट, हर प्रॉब्लम। आपका जल गया, छिल गया, कट गया, जो भी हो गया, आपकी हील क्रैक है, आपके लिप्स, ओवरऑल योर बॉडी, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये है जो आपको बहुत अच्छे से। और मैं बताऊँ आपको, अगर आपको कहीं जल भी जाता है ना, आप इसको यूज़ करते ना, वो मार्क भी बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये मेरे साथ पता नहीं कब से है, लाइक मेरे बच इसकी जो उम्र है ये 90 साल है, और ये मेरे बचपन से मेरे साथ है। सो मैं बता दूँ इसको, ये 40 ml नहीं 40 ग्राम है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपको 3 ईयर्स की मिलती है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आप इसे हर रात अपने लिप्स, फेस, हैंड, एल्बो, फीट सब जगह यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको हील के लिए प्रॉब्लम है, आपकी हील्स क्रैक होती है, आपने एक तो अपने हाथ पैरों को हमेशा ना साफ रखना है, धोना है। ठंड आ गई है, मैं यार नहाते नहीं है लोग, आपने नहाना है, वॉश करना है, केयर करनी है। आप डेली नहाएंगे, रात को अपने हैंड को, लेग्स को वॉश करेंगे, लोशन लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, आपको विंटर से प्यार हो जाएगा। कॉज स्किन इसी टाइम होता है जब वो खिलती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप गोरे हो जाएंगे, आपकी जो स्किन है वो बहुत सुंदर हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्टी, प्यारी प्यारी से, अगर आप उसकी केयर कर रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया, आ जाते हैं अपने बालों पे। वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम, मतलब हमेशा तो हेयर फॉल हो ही रहा है, मुझे तो पता भी नहीं मेरा कब से हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल होता है ना, और अब हो गया यार बालों में इचिंग इचिंग इचिंग, हो क्या गया है कि इतनी इचिंग क्यों हो रही है। मैं बताऊं आपको, डैंड्रफ हो गया है इसलिए आपके बालों में इतनी इचिंग हो रही है। डैंड्रफ के लिए मैंने वीडियो बनाया है, मैं इसके बाद वो क्लिप डाल दूंगी, बिकॉज मैंने लगाया था तो मैंने थोड़ा सा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने वो क्लिप बनाया है, मैं डाल दूंगी, आपको इसको यूज़ करना है, ट्रस्ट मी, आपको एक बार में फ़र्क नज़र आएगा। और आपको बहुत ज़्यादा अगर डैंड्रफ है तो आप वीक में 2 बार या 3 बार यूज़ करेंगे, अगर नहीं भी है तो आप वीक में 1 बार यूज़ करेंगे, बिकॉज सबको थोड़ा बहुत हो जाता है, मुझे नहीं है, बट फिर भी मैं वीक में 1 बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा लगता है कि क्या हो गया, इतनी इचिंग क्यों हो रही है। तो मैंने अपने ऑयल को अच्छे से मेल्ट कर लिया, आप देख लें बिल्कुल ऐसा सा हो गया है, पूरा लिक्विड हो गया है। तो अब हम ऐड करेंगे, आपने अपने ऑयल को वार्म ही रखना है, ठंडा होने नहीं देना है इसको। तो मैंने लिया यहाँ पे 1/2 लेमन, आप अपने बालों के हिसाब से अपना अपना ऑयल मेजर करेंगे, और साथ में अपना लेमन भी, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप पूरा 1 लेमन ले लेंगे, मेरे तो अगर फुद्दू से है तो आपका 1/2 लेमन में हो जाएगा। तो हम जल्दी से इसको स्क्वीज कर लेते हैं, और जो अच्छे से आप इसको कर लें, और इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करें, आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल भी ठंडा ना हो जाए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप विंटर हो या समर, आप जब ऑयलिंग कर रहे हैं तो आप ऑयल को हल्का सा वार्म कर लें, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। सो मैंने अपने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख लें ये कुछ ऐसा सा बन गया, हल्का सा थिक हो गया, जितना पहले था जो हमारा ऑयल था पूरा लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है बट थोड़ा सा थिक हो गया। डैंड्रफ मास्क है वो रेडी हो गया है, अप्लाई करना बिल्कुल इजी है। तो अपना कॉटन बॉल ले लें, अगर नहीं तो हमारा जो लेमन था जो हमने स्क्वीज किया था, जैसे उसमें जस्ट डैब करना है, और अपने बालों में अच्छे से उसको लगाना है, पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे करके, एंड लेमन ऑयल लेके उसको अच्छे से बालों में रब करते हुए लगाएंगे, और ऐसे ही आपने अपने पूरे बालों में करना है, आगे पीछे हर जगह आपने अच्छे से लगाना है, बहुत सारा ऑयल लेके, आपके बाल का एक भी पार्ट छूटे ना।
और आपको लाइटनिंग तो समझ में आ रहा होगा कि अभी नाइट हो गया है, सो मैं इसको नाइट टाइम में कर रही हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ओवरनाइट छोड़ें, आधे या एक घंटे के लिए नहीं, आधे या एक घंटे में वर्क करेगा, बट आई फील कि ओवरनाइट अगर रखेंगे तो बहुत अमेजिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। सो ट्राई करें कि आप इसको रात में लगाएं, अपनी लेंथ में भी इसको अच्छे से लगाएं और एक बढ़िया सी मसाज दें अपने बालों को। अगर आप फिर मम्मी है बहन है तो उससे करवा लें, अदरवाइज अपने हाथों से ही कर लें। बस या तो आप बन बना लें या ब्रेड बना लें, जो आपको सही लगता है बनाएं, एंड यू आर डन। एंड ट्रस्ट मी, आपको फर्स्ट टाइम में ही इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, लाइक बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको वीक में 3 टाइम करें, अदरवाइज आपका अगर आपको नहीं है तो आप वीक में एक वन बार भी कर रहे हैं तो बहुत है। अब मैं जा रही हूँ सोने, सुबह हम वॉश करेंगे अपने बालों को। और आपको अगर और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आप गर्ल हैं बॉय हैं वट एवर यू आर, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रिक हर किसी के लिए है और ये टिप्स हर किसी के लिए हैं। सो ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी विंटर।